राम राम दोस्तों। तो उत्तराखंड से आके हम आ गए हैं हरियाणा और आज हम जा रहे हैं वृंदावन दोस्तों के साथ अपने। तो आपको मिलते हैं हम वृंदावन में और दिखाते हैं वृंदावन के मंदिर। भाइयों हम फंस गए हैं अभी जाम में। इतना लंबा जाम हो रखा है यहाँ पे, मतलब बहुत दूर दूर तक जाम लग रखा है, 5 किलोमीटर के समथिंग। अब देखो भाई कब तक खुलता है जाम और कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता और है अंदर का, और 5 किलोमीटर तक हमें या तो ई रिक्शा करना पड़ेगा या पैदल ही जाना पड़ेगा। गटमन पहुंच जाएंगे, गटमन गटमन पंकज वगैरह, मतलब वैसे घुटनों से चलते चलते जैसे बच्चे जाते हैं वैसे ही पहुंच जाएंगे वहां तक। और रास्ता टेंट को सौदा बिक्र को हो रहा है तो बात, अरे साल इन सब हो जाते। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा जाम है। ये है कि अगर आप दिन में आते हो तो सही टाइम पे पहुंच जाओगे, वरना शाम के टाइम पे तो इम्पॉसिबल है। जैसे हम धक्के खा रहे हैं वैसे खाना पड़ेगा। ये खाली ओकेशन के टाइम पे होता है, जैसे जन्माष्टमी वगैरह हो गया उस टाइम पे। दोस्तों ये है प्रेम मंदिर का एंट्री गेट और फाइनली पहुंच गए हम यहां तक। तो यहां पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि मंदिर में अंदर एंटर करना मुश्किल हो रखा है, बहुत दूर दूर तक लाइनें लग रखी हैं। हम आ गए हैं प्रेम मंदिर के अंदर और यहाँ का नज़ारा कुछ स्पेशल ही है। मतलब इस साइड में बारिश आ रही है, लगे हैं हाँ बारिश आ रखी है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं बारिश की। अब देखो भाई आगे कैसा होता है हमारे साथ। भाई अब बारिश आ गई है बहुत तेज तेज की, अब लोग भाग रहे हैं इधर उधर। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। यहाँ पे मंदिर का कलर भी चेंज होता रहता है इस साइड में, मतलब हर टाइम अलग अलग कलर, कभी पिंक कभी रेड कभी ब्लू हो जा रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ, जहाँ पे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव में बारिश आई थी बहुत तेज, तो बारिश 3-4 दिन तक लगातार चलती थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली होती है ना, जो हमारी ये सबसे लिटिल फिंगर होती है, लिटिल फिंगर होती है, उस पर एक गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो हम आपको दिखाते हैं देखो कैसे है। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी कंधी की उंगली पर उठाया, उसके साथ जो गांव वाले हैं दाऊ भैया हैं वो सब उनका साथ दे रहे हैं, लाठी वगैरह ला के, और जो
बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, वो सब देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने ये क्या मतलब चमत्कार अद्भुत क्या कर दिया है। कहीं बारिश नहीं है, ओनली ऑल वृंदावन है, मंदिर में ही बारिश स्टार्ट हुई है। तो क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली पे अपने गोवर्धन पर्वत को पूरा उठा लिया था। और अब आपको दिखाते हैं आगे कौन है। उतना कंस की बहन। देखो हमारे सोनू भाई यहीं के ही हैं, मथुरा के। अब ये कुछ इसके बारे में आपको बताएंगे। ये स्टेट हो रही है कि मतलब ऐसे जब कृष्ण जी छोटे थे तो कंस ने इनको भेजा था कृष्ण जी को वध करने के लिए। तो पूतना अपने एक मतलब सिंपली स्त्री के बेस में आई थी, उन्होंने इनको मतलब अपना दूध पिलाने के तौर पे मतलब अपना दूध में विष मिला के इनको पिलाना था, क्योंकि वो पूतना थी इसीलिए उन्होंने दूध पिलाया। तो जैसे कृष्ण जी ठहरे भगवान, चाहे बचपन हो या बड़ा हो, वो ठहरे भगवान। जब उन्होंने दूध पिया तो पूतना जो है अपने असली रूप में आ गई। असली रूप में आ गई तो आप देख सकते हैं असली रूप कौन सा उनका। तो भाइयों, ये था वृंदावन का अंदर का सुंदर सुंदर दृश्य, प्रेम मंदिर का। आराम से भाई, छक्के चौके अभी तो मत मारो। तो यहाँ पे हमारी चप्पलें हो गई हैं चोरी। शिवा सच में गई? गई भाई, यहीं पे तो ही। अरे भाइयों, चप्पलें तो सच में चोरी हो गई है। बड़े अजीब आदमी यार, चप्पलों को लेके। मैंने तो फिर भी अपनी चप्पल लेके यहाँ पे एक 10 कदम दूर उतारी थी, फिर भी मेरी चप्पल गैप कर दी। तो सिवा यहाँ अपने चप्पलों की तलाश में भटकता हुआ यार, मेरी तो गोवा से लेके आया था।
बेचारी मेरी फेवरेट थी, अब चले गई हैं। कोई बात नहीं, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। हमारे शिवा भाई को अब भी प्रसाद चाहिए, इतना तगड़ा प्रसाद मिल गया और चाहिए। अरे यहाँ से ले ले, शिवम सूट से ले ले। मुझे पता होता तो ऐसे फटे फूटे चप्पल पहन के आता। ले भी प्रसाद। ओ भाई, अरे ये ना लेके मिठाई ले ले वहाँ से बाहर। नो, हमें चाहिए मिठाई। ये मथुरा के फेमस पेड़ है। ब्लॉग की एंडिंग ऐसे हो रही है, हम आगे रास्ते में और जीतू का व्रत और इसका मतलब तीन जने व्रत वाले हैं और हम तीन बिना व्रत के, तो हम तो कुछ भी खा लेंगे लेकिन ये खाएंगे घर जाके, मतलब पानी वानी चढ़ा के और मंदिर का प्रसाद लेके जब खोलेंगे। तो अब ये सामान करवा रहा है यहाँ से पैक होटल से, यहाँ ये भाई का ही होटल है इसके, तो सामान पैक करवा के उसके बाद अब जा रहे हैं घर को। घर जाके फिर ये खोलेंगे फास्ट अपना, हमने तो खा लिया यहाँ पे, बाकी ये खोलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम। हेलो भाई, उसी कलर से गुलशन नगर से देखो भाई कैसे। ठीक है भाई, खाना जरूर खाना खा के देखने का, स्वादिष्ट मिलता है।